हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूं मैं। वीडियो इतना दिन क्यों नहीं बनाया, अगर वो सब बातें आपको मतलब कह के बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो खैर, मैं आप सभी से वीडियो ना बनाने के कारण आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अपना जानकर छोटा समझकर माफ़ कीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो तो आप जान ही चुके होंगे, मेरे थंबनेल और टाइटल में देखकर ही समझ चुके होंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। और अगर आप विद्यार्थी नहीं भी हैं, अगर आपके घर में कोई भी सदस्य विद्यार्थी हैं या आपके खुद अपने बच्चे अगर विद्यार्थी हैं तो उनको ये जानना बहुत ही आवश्यक है जो मैं कहने जा रहा हूँ। आप अक्सर स्कूल में छोटे छोटे पुस्तकों में या तो कहीं भी ये बात सुने होंगे या पढ़े होंगे, ये बात आप पढ़े होंगे या सुने होंगे। किसी किसी स्कूल के यूनिफॉर्म में ये चीज़ लिखी हुई रहती है, विद्यां ददाति विनयम। ठीक है, इसका अर्थ जो है क्या आपको पता है? अगर इसका अर्थ आपको पता नहीं है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, और अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं विद्या ददाति विनयम सिर्फ इस शब्द का अर्थ नहीं बल्कि ये पूरा श्लोक है, इसका एक पूरा श्लोक होता है जिस श्लोक को मैं इस वीडियो में पूरा आपको कहकर सुनाऊंगा, और उस श्लोक का अर्थ भी इस वीडियो में आप लोगों को कहकर सुनाऊंगा। बताने की ये बात मैं कहूँगा नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि बताने की मेरी क्षमता नहीं है। क्योंकि मेरा ये वीडियो हर कोई देख रहे हैं, जो मुझसे छोटे हैं वो भी और जो मुझसे बड़े हैं वो भी, इसलिए बताने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं सिर्फ आपको सुनाऊंगा कि इस शब्द का अर्थ मैंने जाना कि इस शब्द का अर्थ ये है। तो पूरा श्लोक मैं आपको पहले सुनाता हूँ। पूरा श्लोक है, विद्यांग ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतम पात्रत्वात् धनमापनोति धनात् धर्म तत् सुखम। मैं आपको ये श्लोक और एक बार कह के सुनाता हूँ। विद्यांग ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतम पात्रत्वात् धनमापनोति धनात् धर्म तत् सुखम। इस श्लोक का अर्थ है कि विद्या यानी ज्ञान हमें विनय प्रदान करती है, और विनय हमें योग्यता प्रदान करती है, और योग्यता से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, और हम धन से धर्म कार्य करते हैं, और धर्म कार्य करने पर हमें सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को देखकर लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसले बढ़ाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।